राजस्थान के उदयपुर में हिंदू दर्जा कन्हैया लाल की निशंस हत्या कर आग बबूला हुई शिवसेना ने वैरायटी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने हिंदुओं के इस प्रकार की हत्या का तीखा विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान सरकार से इस मामले को ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। इस घटना के लिए हिंदुत्ववादी पार्टी होने के नाते तीव्र निषेध है। ये एक निशंक हत्या का मामला है और ये मामला देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारी आदरणीय मोदी जी से, जो विदेश घूम रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, प्रख्यात अखंड विश्व उनको मान रहा है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं, ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं, बल्कि सिर्फ 21 दिन की अवधि रहे उस कोर्ट की, 21 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए इस हत्या का। ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जो 21 दिन में उसका फैसला करे। और इसके बाद इस प्रकार की सोशल मीडिया पे किसी धमकी को भी हत्या का मामला दर्ज किया जाए उस पर, मतलब धमकी जो भी दे रहा है, क्योंकि उस कन्हैया लाल को धमकी मिली, धमकी पे कॉन्क्लूजन्स नहीं लिया गया, गर्दन कटवा दी गई, गर्दन काट दी गई। इसलिए इस प्रकार की कोई भी धमकी यदि मिलती है तो धमकी को भी हत्या समझकर एक मामला, हत्या का मामला उसके ऊपर चलाया जाए, आगे इस प्रकार का संविधान में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू भाइयों की इस प्रकार की हत्या तालिबानी पैटर्न है और हिंदुस्तान में शिवसेना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा को लेकर, चाहे वह महाराष्ट्र का हो, कश्मीरी पंडित हो या फिर देश के किसी कोने का क्यों ना हो, शिवसेना संजीदा है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।